हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ स्टडी गाइडलाइंस जो कि आईसीआई की तरफ से बिल्कुल रिसेंटली में अभी इशू की गई है, जिसके थ्रू आईसीआई ने बच्चों को गाइड करने की कोशिश करी है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पेपर को लेकर के अगर आपका अटेम्प्ट मई 2020 है तो आपको मई 2020 अटेम्प्ट के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कवर अप करनी है। ठीक है जी, तो इस गाइडलाइंस में आईसीआई ने सबसे पहली बात तो ये बताई, जो मेरे ख्याल से आप सब लोग अदरवाइज भी जानते हैं, मई 2020 जिनका अटेम्प्ट है तो उनके लिए नॉर्मल रूल जो है दैट इज 31 अक्टूबर 2019 तक जो भी लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए हैं वो लेजिस्लेटिव चेंजेस जो हैं वो उन्हें पता होने चाहिए। इसके अलावा आईसीआई ने बोला जी उनका जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल में कुछ ऐसा कंटेंट है जो स्टडी मटेरियल में है लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। मेरे ख्याल से आप सब लोग इस बात को भी जानते होंगे कि पीछे जब नवंबर 2019 का भी अटेम्प्ट था तो भी आईसीआई ने कोर्स के कंटेंट की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो कि सिलेबस से एक्सक्लूड किए थे। सो मई 2020 में भी आईसीआई ने वो अपना ट्रेंड बरकरार रखा है और कहा है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बुक्स में हैं, उनके स्टडी मटेरियल में हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम पर्पस के लिए नहीं पूछे जाएंगे। और जो कुछ भी एक्सक्लूडेड टॉपिक नवंबर 2019 के लिए थे वो एज इट इज़ जो है वो मेंटेन करके रखे गए हैं। जैसे गुड्स के ऊपर जीएसटी की रेट्स क्या है, स्टूडेंट्स आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर। सर्विसेज के ऊपर जीएसटी की क्या रेट्स हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर। हाँ, कंपोजिशन टैक्स रेट की अगर बात करोगे तो गुड्स के ऊपर कंपोजिशन टैक्स रेट क्या है या सर्विसेज के ऊपर कंपोजिशन टैक्स रेट क्या है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गुड्स के ऊपर ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है आपको ध्यान में रखना, पर सर्विसेज जिनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है वो आपको ध्यान में रखना है, वो सिलेबस का हिस्सा है। ऐसे ही आपके गुड्स को लेकर के जीएसटी में बहुत सारी एग्जम्पशन है, आपको नहीं पढ़नी। हाँ, लेकिन सर्विसेज को लेकर के जो एग्जम्पशन है वो आपको पढ़नी है। ये सब कुछ पहले नवंबर 2019 के अटेम्प्ट के लिए भी ऐसा ही था और मई 2020 के अटेम्प्ट के लिए भी सेम ही रखा गया है। फिर उसके बाद जो इस गाइडलाइंस में एक अहम बात बोली गई है वो है बेटा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई को लेकर के। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई को लेकर के स्टडी गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि एक रिसेंट में अमेंडमेंट हुई है केरला फ्लड सेस की वजह से, वो केरला फ्लड सेस की अमेंडमेंट उसको इस गाइडलाइंस ने कहा है। वैसे तो वो अमेंडमेंट जो है वो 31 अक्टूबर 2019 के अंदर की अमेंडमेंट है, बट फिर भी उसको जो होगा वो सीए फाइनल मई 2020 के अटेम्प्ट में नहीं पूछेंगे। गाइडलाइंस कहती है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केसेस वेयर केरला फ्लड सेस इज एप्लीकेबल, वो आपके एग्जाम में जो होगा वो नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बता दूँ वैसे बेसिकली ये काम था क्या, जैसे सुन लीजिएगा, एग्जाम में पूछा नहीं जाना है बट क्या नहीं पूछा जाना है उसका थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। बेटा, केरला में पीछे फ्लड आई जिसकी वजह से केरला स्टेट में काफ़ी नुकसान हुआ। अब स्टेट को रीडेवलप करने के लिए, उस फ्लड से जो भी नुकसान हुआ उसको भरपाई करने के लिए केरला गवर्नमेंट को एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। तो केरला गवर्नमेंट ने जो था बेटा वो जीएसटी काउंसिल से कहा कि हमें उस भरपाई के लिए जीएसटी की रेट जो है वो बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। आप जीएसटी काउंसिल बोले जी आपके यहाँ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए हम कॉमोडिटी की रेट नहीं बढ़ा सकते बिकॉज जीएसटी में रेट बढ़ेगी तो वो तो ऑल ओवर इंडिया के इम्पैक्ट की बढ़ेगी। तो केरला गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आप ऐसा करें, आप हमें सिर्फ केरला के अंदर एडिशनल जीएसटी विद द नेम ऑफ केरला फ्लड सेस लगाने की इजाज़त जो है वो दे दे, जिसे जीएसटी काउंसिल ने जो था वो अप्रूव कर दिया। जीएसटी काउंसिल से अप्रूवल लेने के बाद केरला स्टेट ने अपने यहाँ पर केरला फ्लड सेस एक्ट पास किया। उस एक्ट में उन्होंने ये प्रोविजंस बनाए कि अगर केरला के अंदर कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है जो बाय नेचर B2C सप्लाई है, केरला के अंदर का कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है जो कि बाय नेचर जो है वो B2C सप्लाई है, तो ऐसी सप्लाई के ऊपर केरला फ्लड सेस के नाम से एक एडिशनल GST जो होगी वो केरला गवर्नमेंट लगाएगी और उसका रेवेन्यू केरला गवर्नमेंट को ही मिलेगा, जिसको केरला गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी। अच्छा जी, अब इसकी वजह से अब एक इशू क्या आ गया वो सुनिएगा। मान लीजिए केरला में कोई सप्लाई की जा रही है, वो सप्लाई हो रही है मान लीजिए 10,000 रुपये की, उस पर जो नॉर्मल GST लगता है CGST SGST वो तो लगेगा ही लगेगा, उसके ऊपर एडिशनल लगेगा केरला फ्लड सेस। अब वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई को लेकर के एक छोटा सा इशू ये आ गया था, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई को लेकर के, कि सेक्शन 15 जो कि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई की बात करता है वो ये कहता है जी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है ट्रांजेक्शन वैल्यू, और ट्रांजेक्शन वैल्यू जब कभी कंप्यूट की जाती है तो उसमें सभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंक्लूड किए जाते हैं एक्सेप्ट
सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन से. लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 15 में ये लिखा हुआ था, व्हेनेवर यू आर मेकिंग वैल्यूएशन ऑफ अ सप्लाई तो आप उसमें सभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंक्लूड करेंगे एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी सेस. अब उस लाइन की वजह से ये केरला फ्लड सेस जो है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो रहा था, जो कि लॉजिकली गलत था, क्योंकि टेक्निकली केरला फ्लड सेस एक जीएसटी ही एडिशनल, तो इसे वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना चाहिए. तो अब ये वैल्यू में इंक्लूड ना हो इसके लिए सीजीएसटी रूल्स में रूल 32A करके एक रूल इंसर्ट किया गया, जिसमें ये कहा गया कि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई निकालते टाइम केरला फ्लड सेस जो होगा वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई से बाहर रखा जाएगा. तो एक सिंपल सी अमेंडमेंट थी रूल 32A की, बट इन एनी केस गवर्नमेंट ने अपने ICAI ने फिर भी इसे जो है वो सिलेबस से जो है वो बाहर रखा है. मोस्ट प्रोबेबली द रीज़न इज दैट उन्होंने कहा कि उस चीज़ को समझाने के लिए हमें केरला फ्लड सेस एक्ट बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो छोड़ो बच्चे पहले ही बर्डन में है तो इसको हम पूछेंगे ही नहीं. तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छी बात है, बाकी जस्ट आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि प्रोविजन था क्या. ठीक है जी, फिर उसके बाद ITC को लेकर के गाइडलाइंस का ये कहना है कि 1 अप्रैल 2019 में पिछले अटेम्प्ट में रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज हुआ था. रियल एस्टेट सेक्टर हैंडल करना थोड़ा सा टेक्निकल हो गया था, पर्टिकुलरली उस सेक्टर में इन्वॉल्व्ड ITC. तो ITC रिलेटेड प्रोविजंस जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड थे वो गवर्नमेंट, वो ICAI ने पिछले साल ही सिलेबस से बाहर कर दिए थे, और उन्होंने बोला है उस ट्रेंड को हम कंटिन्यू रखेंगे. मई 2020 के अटेम्प्ट में भी हम ITC रिलेटिंग टू रियल एस्टेट सेक्टर जो होगा वो कुछ भी नहीं पूछेंगे. फिर इसके बाद बात आती है आपकी रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स को लेकर के तो आप जानते ही हैं प्रैक्टिकली रिटर्न्स को लेकर के तो GST में तबाही मची हुई है. कहाँ तो सोचा गया था कि रेगुलर बेसिस पर GST और 1, 2, 3 सब कंप्लीट भरवाएंगे, बट प्रैक्टिकली वो जो विजन था वो कभी मटेरियलाइज हो ही नहीं पाया. टिल डेट भी टैक्स पेयर से हम जो भरवा रहे हैं दैट इज़ ओनली GSTR 1 एंड GSTR 3 भी. तो अकॉर्डिंगली जो चीज़ प्रैक्टिकली चली नहीं रही GSTR 2, GSTR 3, तो उसको एग्जाम में पूछे जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता. तो ICAI ने बोला जी GSTR 2 और GSTR 3 से रिलेटेड एग्जाम में नहीं पूछेंगे. ये बात पहले भी बोली हुई थी और ICAI ने बोला मई 2020 में भी नहीं पूछे जाएंगे. सिमिलरली मैचिंग के कुछ प्रोविजन होते थे सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43 में, तो वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो उसको पूछने की भी कोई सेंस नहीं बनती. तो उन्होंने बोला जी मई 2020 में भी स्टेटस वही खड़ा हुआ है, ना तो ये पहले पूछे गए थे ना ही मई 2020 में पूछे जाएंगे. फिर उसके बाद कस्टम्स एंड FTP की अगर बात करूं तो कस्टम्स एंड FTP में बेटा ICAI ने बड़ा मेजर रिलीफ देते हुए लास्ट नवंबर 2019 के अटेम्प्ट में कह दिया था इतने सारे चैप्टर्स हैं जो कि एग्जाम से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, और उन्होंने वही ट्रेंड मई 2020 के लिए भी कंटिन्यू रखा है. और उन्होंने बोला है वो सारे चैप्टर जो हैं वो अननेसेसरी के बर्डनसम चैप्टर हैं, तो उसको जो होगा हम नहीं पूछेंगे, मई 2020 के अटेम्प्ट में भी नहीं पूछेंगे. पहले भी नहीं पूछ रहे थे और मई 2020 में भी वो ट्रेंड जो होगा वो कंटिन्यू रखेंगे. एंड बेटा ऑनेस्टली शुक्र मनाओ, खुशियाँ मनाओ कि वो मई 2020 में भी सिलेबस से बाहर रखे गए हैं, नहीं तो उनमें इतनी सारी अमेंडमेंट्स हुई थी अभी फाइनेंस एक्ट 2019 से वो सारी पढ़नी पड़ जाती. अब चैप्टर ही बाहर है तो उस चैप्टर में क्या अमेंडमेंट हुई क्या नहीं हुई हमें कोई लेना देना ही नहीं है, वो कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है. इन शॉर्ट यहाँ तक का अगर मैं आपको क्रक्स बोल दूँ तो यहाँ तक के डिस्कशन का क्रक्स ये है, जो कुछ भी नवंबर 2019 अटेम्प्ट के लिए सिलेबस से बाहर था वो सब कुछ मई 2020 के अटेम्प्ट के लिए भी सिलेबस से बाहर है. उसके अलावा केरला फ्लड सेस जो कि अभी एक रिसेंट की अमेंडमेंट थी, वैल्यूएशन से रिलेटेड भी थी, उसको उन्होंने एडिशनली जो है वो सिलेबस से बाहर कर दिया है. फिर स्टडी गाइडलाइंस ने अगली जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें देने की कोशिश करी है वो ICAI में इसने ये बताया कि भाई साहब फाइनेंस एक्ट 2019 की एप्लीकेबिलिटी मई 2020 अटेम्प्ट के लिए क्या होगी उसकी इन्होंने क्लैरिटी दी. तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं मई 2020 अगर आपका अटेम्प्ट है तो आपको 31 अक्टूबर 2019 तक जो भी लीगल चेंजेस हो गए हैं वो सब लीगल चेंजेस आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं.
मई 2020 अटेम्प्ट वालों के लिए 31 अक्टूबर 2019 इज अ कट ऑफ डेट, और इस दिन तक जो भी लीगल चेंजेस प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो गए होते हैं वो सब एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब जो फाइनेंस एक्ट 2019 है ये बेटा हमारा ये 1 अगस्त 2019 को इफेक्टिव हो गया, पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रेजिडेंट असेंट बींग ऑब्टेंड। तो ये 1 अगस्त 2019 से क्योंकि इफेक्टिव हो गया तो डेफिनेटली ये हमारा जो है वो मई 2020 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। अब आईसीआई लेकिन यहाँ पर क्लेरिफिकेशन क्या दे रहा है, वो कहता है जी अब ये जो फाइनेंस एक्ट 2019 अगर आप उठाते हैं तो इसमें दो बातें हैं, इसमें जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी सारी अमेंडमेंट की गई है एंड सिमिलरली कस्टम से रिलेटेड काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो स्टडी गाइडलाइंस ने पहले पार्ट में बताया जी जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट की बात ये है कि फाइनेंस एक्ट 2019 ने जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स करी, सीजीएसटी एक्ट में कई सारे बदलाव किए गए एंड आईजीएसटी एक्ट में भी कई सारे बदलाव किए गए, पर जो अमेंडमेंट्स इन दोनों ही एक्ट में करी गई, अमेंडमेंट्स तो कर दी गई पर बोला गया इन अमेंडमेंट्स को अभी इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं किया जा रहा है, इन अमेंडमेंट्स को बाद में इफेक्टिव किया जाएगा। और बाद में कब उन्होंने बोला जी वो डेट, वो शुभ मुहूर्त कब निकलेगा वो डेट हम नोटिफाई करके बताएंगे, और जिस दिन हम नोटिफाई कर देंगे उस दिन से ये अमेंडमेंट्स जो होंगी वो एप्लीकेबल होंगी। तो बेटा फाइनेंस एक्ट 2019 ने सीजीएसटी एक्ट आईजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट कर दी पर उनको इफेक्टिव नहीं किया, और बेटा 31 अक्टूबर 2019 जो आपका कट ऑफ डेट होता है इस दिन तक भी नोटिफाई नहीं किया। तो अकॉर्डिंगली आईसीआई अब क्लैरिफाई ये कर रहा है क्योंकि अमेंडमेंट्स हुई पर वो इफेक्टिव नहीं हुई तो मई 2020 के अटेम्प्ट के लिए उनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। इट इज़ एज सिंपल एज डैट। इसमें एक एक्सेप्शन लेकिन उन्होंने दिया, इसमें उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया, उन्होंने कहा सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 54 एक सेक्शन है जो कि रिफंड से डील करता है, सेक्शन 54 में एक अमेंडमेंट हुई, 54 में सब सेक्शन 8A इंसर्ट किया गया और इसको इमीडिएट इफेक्टिव किया गया। ध्यान से सुन लीजिएगा, फाइनेंस एक्ट 2019 ने जीएसटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस किए किसी को भी इमीडिएट इफेक्टिव नहीं किया, लेकिन एक एक्सेप्शन है रिफंड से रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुई थी उसको इमीडिएट इफेक्टिव किया गया, सेक्शन 54 में सबसेक्शन 8A में अमेंडमेंट हुई थी। और ये अमेंडमेंट बेटा बहुत ही सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है, क्या है जरा मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ, रिफंड से रिलेटेड अमेंडमेंट है। तो एक सिचुएशन ऐसे विजुलाइज कर लीजिएगा, एक आदमी ने इंटरेस्ट रेट सप्लाई करी, उस इंटरेस्ट रेट सप्लाई पर उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया, और वो जो उसने पे किया लेट्स सपोज वो 18% पे किया, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, आफ्टर ईयर्स पेड उसको बाद में किसी ने बताया समझाया या नॉलेज दी कि वो 18% गलत पे कर रहा है, उसकी सप्लाई पर जो जीएसटी बनता है वो टोटल 5% पड़ता है, 2.5% सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी। कहने का मतलब उसको लेटेस्ट स्टेज पर जाकर ये पता चल रहा है कि उसने जीएसटी एक्सेस पे कर दिया है, सीजीएसटी भी एक्सेस हो गया 6.5% एंड एसजीएसटी भी एक्सेस पे कर चुका वो 6.5%। अब डेफिनेटली इफ यू हैव पेड समथिंग इन एक्सेस तो आप क्या करेंगे, आप उसका रिफंड क्लेम करेंगे। एंड प्रिज्यूम कर लीजिए जी डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट भी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये टैक्स पेयर जो है वो अपना रिफंड क्लेम करना चाहता है सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी का। तो बेटा अब सीजीएसटी सेंटर को गया, एसजीएसटी स्टेट को गया, क्या इसे दो अलग अलग जगह रिफंड क्लेम फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। आप सारे जानते हैं जीएसटी की खास फीचर क्या थी, आपने भले ही सेंटर को अलग दिया हो स्टेट को अलग दिया हो बट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो एक ही होगा, या तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर को असाइन किया गया होगा या फिर स्टेट को असाइन किया गया होगा, वो आपको बताया गया होगा। तो आप जहां भी असाइंड है आप बेसिकली लेट्स सपोज आप जैसे सेंटर को असाइंड है तो आप सिंपली क्या करो सेंट्रल टैक्स ऑफिसर के पास ही अपना रिफंड क्लेम सबमिट कर सकते हो, उसमें सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी दोनों रिफंड क्लेम आप अपने सेंटर वाले के पास ही दे सकते हो। अच्छा अब सेंटर वाले ने मान लीजिए आपका रिफंड क्लेम जो था वो वेरीफाई करके प्रोसेस कर दिया और उसने बोला जी हाँ इस आदमी को सीजीएसटी 6.5% एंड एसजीएसटी 6.5% भी रिफंड करना बनता है, उसने रिफंड ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान सुनिएगा, आप एक ही ऑफिसर के पास रिफंड क्लेम फाइल करोगे, एक ही ऑफिसर वेरीफाई करके रिफंड ऑर्डर दे देगा, लेकिन जब रिफंड डिसबर्समेंट की बात आती थी तो बेटा रिफंड डिसबर्समेंट में मतलब आपको एक्चुअल में जब रिफंड देने की बात आती थी तो सेंटर वाला आपको सीजीएसटी का पैसा देता था और आपको एसजीएसटी वाला रिफंड जो है वो स्टेट से आता था।
मतलब रिफंड एप्लीकेशन एक है, वेरिफिकेशन करके ऑर्डर देने वाला आदमी भी एक ही है, बट एक्चुअल रिफंड जो था वो अलग अलग जगह से आता था। अब इसमें टैक्स पेयर को तकलीफ ये होती थी, एक पैसा सेंटर से आता था, एक पैसा स्टेट से आता था, सेंटर ने इमीडिएट दे दिया, स्टेट कई बार लेट कर देता था, तो ये तकलीफ हो रही थी। और टैक्स पेयर ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि भाई साहब जब आपने रिफंड एप्लीकेशन एक ही आदमी के पास सबमिट करवाई है, वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग एक ही ने करी है, तो वही अथॉरिटी पूरा रिफंड दे, सिंगल अथॉरिटी को ही पूरा रिफंड डिसबर्स करना चाहिए। ये एक लंबे समय से चली आ रही थी रिक्वेस्ट थी जो कि एक्सेप्ट की गई, और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ ये सेक्शन 54(8)(a) जो था वो इंसर्ट किया गया, और उस 8(a) में इस बात का प्रावधान किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अब आपको SGST का भी रिफंड जो है वो दे सकती है। तो ये प्रैक्टिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है, और ये अमेंडमेंट इमीडिएट इफेक्ट से अगस्त से ही लागू की गई है, तो ये आपके May 2020 के एग्जाम में पूछी जाएगी। ICAI ने इसे क्लियर किया है। फिर इसके बाद ICAI ने एक क्लैरिफिकेशन ये दी, फाइनेंस एक्ट 2019 में कुछ अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव हुई हैं, और वो जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुई है वो हुई है कुछ गुड्स के टैक्स रेट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज किए गए हैं। अच्छा, अब इस पर ICAI ने ये बोला गुड्स के ऊपर GST किस रेट से लगता है, 5, 12, 18, 28, वो सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं। अब वो क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव क्या हुई हमें लेना देना ही नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। तो लेट मी रिपीट, फाइनेंस एक्ट 2019 ने GST में जो भी अमेंडमेंट करी आपके सिलेबस में नहीं है फॉर May 2020 अटेम्प्ट, एक्सेप्ट सेक्शन 54 की अमेंडमेंट जो कि रिफंड रिलेटेड अमेंडमेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला फाइनेंस एक्ट 2019 ने कस्टम से रिलेटेड भी अमेंडमेंट करी है। अब कस्टम में जो है कस्टम एक्ट 1962, इसमें काफी सारी अमेंडमेंट करी गई हैं, एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट की गई है। अब उन्होंने बोला जी ये जो कस्टम से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 ने करी है, ये साथ ही साथ लागू भी हो गई हैं, एप्लीकेबल भी हो गई हैं, और क्योंकि ये इफेक्टिव हो चुकी हैं 31 अक्टूबर 2019 योर कट ऑफ डेट तक, तो ये एग्जाम में जो है वो पूछी जाएंगी। GST में तो आप बच गए, लेकिन कस्टम्स की जो अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2019 की वो आपको May 2020 के एग्जाम में पूछी जाएंगी। पर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये टोटल अमेंडमेंट्स जो आपसे रिलेटेड बन रही हैं, ये टोटल 3 ही अमेंडमेंट बन रही है। कस्टम एक्ट में एक सिंगल अमेंडमेंट है जो कि आपके अटेम्प्ट के लिए हुई है, सेक्शन 41, जिसमें EGM एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट फाइल करता था वो पर्सन इंचार्ज जो कि एक्सपोर्ट गुड्स को लेकर के जाता था। तो सेक्शन 41 में एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है जिसमें यह कहा गया है कि EGM फाइलिंग पर्सन इंचार्ज जो करता था वो पर्सन इंचार्ज तो कर ही सकता है, उसके अलावा अदर नोटिफाइड पर्सन भी जो है वो EGM फाइल कर सकेंगे। वो अदर नोटिफाइड कौन होंगे, वो फॉर द टाइम टिल डेट अभी तक नोटिफाइड नहीं है, तो इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट में अगर बात करें तो बेटा आपके सिलेबस में एक चैप्टर होता है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज, जिसमें आप बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कस्टम्स ड्यूटी होती है, लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, और एक CVD ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल होती है, एंड सेफगार्ड ड्यूटी होती है। ये आपका टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी नाम का एक चैप्टर था। तो इसमें से CVD ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल से रिलेटेड एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, एंड सेफगार्ड ड्यूटी इससे रिलेटेड एक सिंगल लाइन की अमेंडमेंट हुई है। दिस इज ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ कस्टम। तो कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, मई 2020 में भगवान आपके साथ है और बहुत ही कम अमेंडमेंट्स हुई हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद उन्होंने बताया जी मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा जो काम किया आप सबके नॉलेज में है, कश्मीर में से उन्होंने आर्टिकल 370 धारा 370 जो है वो हटा दी, और उसके लिए उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा ही मतलब अच्छा मूव जो था वो उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया जी, स्टेट ऑफ J&K को स्टेट रखा ही नहीं, उन्होंने उसको क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी बनते ही J&K का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, सेंटर के हाथ में। आप इस बात को जानते हैं, ये तो मीडिया में बहुत चर्चित बात है। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट ऑफ J&K को उन्होंने 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से एक है यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड दूसरी है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जिसमें से यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K जो है ये स्पेशल यूनियन टेरिटरी बनाई गई जो विद लेजिस्लेचर होगी,
दिल्ली या पौडुचेरी की तरह ही, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है बट इसमें अपना लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है, पौडुचेरी में अपना स्टेट लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे ही इन्होंने यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में भी अपना लेजिस्लेचर रहेगा, इस बात के प्रावधान डाले। अच्छा, अब उसका नेट रिजल्ट क्या हो गया, जो यूनियन टेरिटरी J&K की है क्योंकि वो विद लेजिस्लेचर वाली है तो GST में उसको स्टेट का ही दर्जा मिलेगा जैसे दिल्ली और पौडुचेरी को मिलता है, और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है वो एक सिंपल यूनियन टेरिटरी है तो उसको अदर यूनियन टेरिटरी जैसे कि अंडमान एंड निकोबार वगैरह उसका स्टेटस मिलेगा। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में अगर कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो वहां लगेगा CGST एंड SGST। ऑन द अदर हैंड जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसमें अगर कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो उसमें लगेगा CGST एंड UTGST। अच्छा, अब ये जो काम किया मोदी सरकार ने, स्टेट ऑफ J&K को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, तो इसके लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करके जो है उन्होंने पास किया, और वो जो था वो 30 अक्टूबर 2019 के बाद से जो था वो इफेक्ट में आ गया। मतलब 31 अक्टूबर 2019 को स्टेट ऑफ J&K ना रह करके यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हो गया। और किस्मत देखिए, 31 अक्टूबर से ये इफेक्टिव हुआ, मतलब ये आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल बन गया मई 2020 के लिए, पर ICAI ने इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो है वो सिलेबस से एक्सक्लूड करके रखा है। एंड रीजन ऑफ एक्सक्लूजन इज दैट बेटा, इसमें कई सारे टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसको जो है अभी गवर्नमेंट को भी मैनेज करना है, तो उन्होंने आपके स्टूडेंट के लेवल पर इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रोविजन मई 2020 के लिए एप्लीकेबल नहीं किए हैं। तो आप एग्जाम के लिए भूल करके चलेंगे कि J&K दो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, आप एग्जाम के लिए ये मान के चलेंगे जैसे J&K पहले भी स्टेट था और अभी भी स्टेट ही है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ये उन्होंने इस पॉइंट नंबर 2 में बेटा मेंशन किया है। फिर उसके बाद लास्ट रेलेवेंट बात जो इन्होंने इसमें करी है वो ये करी है कि अगर कोई बच्चा जो है वो ICAI स्टडी मटेरियल के बेस पर प्रिपरेशन करता है तो ICAI का स्टडी मटेरियल अक्टूबर 2019 का एडिशन उनका इशूड है, उससे बच्चा स्टडी करे, और साथ में स्टैचुटरी अपडेट्स ICAI जो होगा वो बाद में रिलीज करेगा, उस स्टैचुटरी अपडेट्स को जो है वो यूज़ करे। ये पॉइंट हमारे स्टूडेंट्स के लिए काम करनी है बिकॉज हम ICAI के स्टडी मटेरियल को सब अपना डिस्कशन में अपने स्टडी मटेरियल में ही कवर करके चलते हैं। तो खैर, ये हमारे पास ICAI की स्टडी गाइडलाइंस कंप्लीट हुई। मैं मेन मुद्दे दोहरा देता हूँ, उन्होंने बेसिकली बात क्या बोली है। सबसे पहली बात, नवंबर 2019 के लिए जो भी एक्सक्लूजन बताए गए थे वो सारे एक्सक्लूजन मई 2020 के अटेम्प्ट के लिए भी हैं, पहली बात। दूसरी बात, अमेंडमेंट्स जो हुई 31 अक्टूबर 2019 की कट ऑफ डेट वाली, वो मई 2020 के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल बनती है। GST में क्योंकि अमेंडमेंट्स अभी तक इफेक्टिव नहीं हुई तो कुछ भी नहीं बनता एक्सेप्ट सेक्शन 54 रिफंड की अमेंडमेंट। कस्टम एक्ट या कस्टम टैरिफ एक्ट की जो भी अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2019 ने करी और वो इफेक्टिव भी हुई, तो वो सारी आपको पढ़नी है। इसके अलावा केरला फ्लड सेस लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो क्योंकि केरला स्टेट स्पेसिफिक था, उसका रेलेवेंट लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, तो उन्होंने उससे रिलेटेड वैल्यूएशन के चैप्टर की अमेंडमेंट को आपके मई 2020 के अटेम्प्ट से बाहर रखा है। अच्छा, अब यहाँ एक बात मैं अपनी तरफ से आपको एडिशनली ये बता देना चाहता हूँ कि इस 31 अक्टूबर 2019 की कट ऑफ डेट के दौरान तक रूल्स में चेंजेस हुए हैं बेटा। रूल्स के सभी चेंजेस आपके लिए एप्लीकेबल है, ICAI उसे अपने स्टैचुटरी अपडेट्स में अभी आपको अवेलेबल कराएंगी, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। नोटिफिकेशंस के भी कई चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा CBIC ने भी कई सारे प्रैक्टिकल इश्यूज पर क्लैरिफिकेशंस दी हैं, वो सब नोटिफिकेशंस हो, क्लैरिफिकेशन CBIC की हो या रूल्स के चेंजेस हो, जो भी 31 अक्टूबर 2019 तक हुए हैं वो सारे आपको मई 2020 के अटेम्प्ट के लिए पढ़ने हैं। और उसके लिए आपको ICAI के स्टैट्यूटरी अपडेट्स के रिलीज का वेट करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि वो सब हम अपनी अमेंडमेंट बुकलेट्स में जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। वो जो अमेंडमेंट बुकलेट है बेटा, वो आपको हमारी एक एप्लीकेशन वी सिक्योर डॉक प्रो उसमें अवेलेबल कराई जा चुकी है। आप वहां से असेस करके उस अमेंडमेंट को गो थ्रू हो सकते हैं। अमेंडमेंट का डिस्कशन वीडियोस यूट्यूब पर हमने दो इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट तो ऑलरेडी शेयर कर ही दिए थे, एंड रेस्ट ऑल अदर अमेंडमेंट्स भी हम आपके साथ जल्द ही यूट्यूब पर शेयर करने वाले हैं। हमारा यूट्यूब का चैनल है क्लब जीएसटी प्रो, आप लोग ने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत अच्छा, नहीं किया हुआ तो उसे जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट अमेंडमेंट आप सबसे पहले देख सके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।